हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एके ऑनलाइन फ्रेंड। दोस्तों, जैसे आप लोगों को पता होगा कि आपके बिहार के शिवहर डिस्ट्रिक्ट में एचक्यूडी स्टूडेंट्स की जॉब आई हुई है, जिसके बारे में हमने आपको एक छोटा सा वीडियो बनाकर अलर्ट भी किया था। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको ऑफिशियल नोटिस की सारी जानकारी देंगे और आपको बताएंगे इसकी लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने की और क्या योग्यता है। फुल इन्फॉर्मेशन देंगे और आप पीडीएफ कैसे डाउनलोड करेंगे ऑफिशियल वेबसाइट से, सारी जानकारी आपको देंगे। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, आप शिवहर डिस्ट्रिक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं और इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। वहाँ से आप इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं या shivhar.nic.in टाइप कर वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। वेबसाइट ओपन करेंगे कुछ इस तरह का आपको पेज दिखेगा। उसके बाद आपको करना क्या है, मोर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। जैसे ही मोर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपको नोटिस का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद आपको एक रिक्वायरमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा, उसको ओपन कर लेना है। सिंपली जब रिक्वायरमेंट पर आप क्लिक कर देंगे कुछ इस तरह का आपका पेज ओपन होकर आ जाएगा। उसके बाद आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर दिया गया एचक्यूडी असिस्टेंट्स नोटिस 2019, एचक्यूडी असिस्टेंट नोटिस 2019 और यहाँ पर स्टार्ट डेट दिया गया 7/3/2019। हालांकि अभी दोस्तों फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट नहीं हुआ है, लिंक एक्टिवेट नहीं किया गया है। जैसे ही कोई लिंक एक्टिवेट किया जाता है हम आपको अलर्ट कर देंगे वीडियो के माध्यम से। और इसकी लास्ट डेट बताई गई 31/3/2019 तक इसकी लास्ट डेट है ऑनलाइन अप्लाई करने का। उसके बाद ये नोटिस देख रहे हैं, नोटिस को आपको करना क्या है, डाउनलोड कर लेना है पर क्लिक करके। ये ऑफिशियल पीडीएफ है जो कि हमने आपको पहले वीडियो में दिखाया था, तो यहाँ से हम इस पीडीएफ को ओपन कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर पीडीएफ ओपन करा गया, दिया गया समन राज शिवहर। और आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर बताया जा रहा है दिया गया है कि एचक्यूडी असिस्टेंट कार्यपालक सहायक के पदों पर संविदा पर नियोजनार्थ पैनल निर्माण किया जाना है, जिसके लिए भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आप लोग देख पा रहे हैं, अगर आप भारतीय नागरिक हैं इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ में आप बिहार के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, यानी कि भारतीय नागरिक हैं आप, इसका ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। क्लियर, यही समझ लीजिए दोस्तों। और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं आपके एज के बारे में बताया गया है। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं आप अगर 18 वर्ष के हो चुके हैं और मैक्सिमम एज यहाँ पर 37 वर्ष बताई गई है, आप 18 वर्ष के हो चुके हैं तो इस फॉर्म का ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और इसी तरह से आपके हर एक कैटेगरी के बारे में बताया गया, आप लोग अपना अपना कैटेगरी चेक कर लीजिएगा। यहाँ लास्ट में फीमेल के बारे में बताया गया है। और 1/8/2018 से आपकी आयु की गणना की जाएगी। आप लोग देख पा रहे हैं अगर 1/8/2018 को अगर आप 18 वर्ष के हो चुके हैं तो इस फॉर्म को ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर आप हैंडीकेप हैं तो आपको 10 वर्षों की छूट मिलेगी। उसके लिए आपको करना क्या है कि 40% वाला जो विकलांगता का सर्टिफिकेट उसको देना है। और यहाँ पर आपकी योग्यता के बारे में बताया गया, आप इसको ध्यान दीजिएगा। अगर आपने 10th पास कर रखा है और प्लस में आपको कंप्यूटर की बेसिक जानकारी है तो आप इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और आप लोग देख पा रहे हैं उसके बाद आपके न्यूनतम योग्यता 10th है, उसके बाद आपके पास कोई भी योग्यता है कोई दिक्कत नहीं, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपको कंप्यूटर बेसिक जानकारी जरूर होना चाहिए। आप लोग देख पा रहे हैं हमें साफिस के यहाँ पर बताया जा रहा है। और उसके बाद दोस्तों आप अगर जब ज्वाइनिंग कर लेंगे यानी एग्जाम पास कर लेंगे तो यहाँ पर कुछ हार्डवेयर्स हैं जो कि आपके साथ होना चाहिए। इन हार्डवेयर को ले जाकर आपको ज्वाइनिंग करना है। तो आप लोग देख पा रहे हैं ये हार्डवेयर आपके पास होना चाहिए तो एग्ज़ाम के बाद अगर आप पास हो जाते हैं तब। और यहाँ पर मानदेय के बारे में बताया गया, 11,345 रुपये आपकी मानदेय है। पेपर कटेज वगैरह की जो भी खर्चा होगी कार्यालय देगी और जो इंटरनेट का खर्चा आएगा उसे आपको देना होगा। और यहाँ पर आप नियुक्ति अवधि देख पा रहे हैं, 1 वर्ष की आपकी नियुक्ति की जा रही है संविदा पर। जैसे आप लोगों को पता होगा संविदा पर जॉब है, अगर आपका वर्क अच्छा रहा तो आगे भी बढ़ाया जा सकता है। 3 वर्ष की इसकी वैलिडिटी है पैनल की। उसके बाद नीचे आएंगे तो आप लोग देख पा रहे हैं चयन का प्रकार बताया गया है कि मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, वो भी आरक्षण के अनुसार आपकी लिस्ट होगी उस हिसाब से सिलेक्शन किया जाएगा। और एग्ज़ाम प्रोसेस के बारे में आप लोग जान लीजिए, एग्ज़ाम प्रोसेस क्या है दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश के टाइपिंग लिया जाएगा। हिंदी और इंग्लिश का अगर आपको टाइपिंग पता है तो आप इस पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और साथ में जब आपका टाइपिंग लिया जाएगा और प्लस में दोस्तों आपका रिटर्न एग्ज़ाम भी हो सकता है, तो रिटर्न एग्ज़ाम पहले हो या टाइपिंग, इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया। उसके बाद आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर आवेदन ऑनलाइन भरने की अंतिम तिथि के बारे में बताया गया, 31/3/2019 इसकी लास्ट डेट है। शाम 5 बजे तक आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद आपकी साइट बंद कर दी जाएगी यानी डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। उसके बाद आप लोग ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते हैं। और आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया आप लोग देख पा रहे हैं इसी वेबसाइट के ऑफिशियल वेबसाइट पर, आपको ऑनलाइन आवेदन करने की लिंक एक्टिवेट कर दी जाएगी shivhar.nic.in पर। वहाँ पर आप जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, जो भी आप सर्टिफिकेट लगाएंगे उनका ओरिजिनल एंड डुप्लीकेट कॉपी आपके पास जरूर होना चाहिए, क्योंकि आपका जब काउंसलिंग दिया जाएगा तो वहाँ पर उन सर्टिफिकेट को मांगा जाएगा, ठीक। और लास्ट में ये बताया गया है कि जिला के अधिकारी को ये अधिकार होता है कि आपका पैनल किसी भी टाइम रद्द कर दिया जा सकता है। ऐसा होता नहीं है दोस्तों, बस लास्ट में आपको वार्निंग दी जाती है। और इस ऑफिशियल पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहाँ से पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लेंगे। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, अगर ऑनलाइन अप्लाई का लिंक एक्टिवेट होता तो हम आपको वीडियो बनाकर जरूर सूचित करेंगे इसी तरह के। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।